हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे मोबाइल फ़ोन से RNFI का DMT कैसे होता है, कैसे सेट करने के बाद DMT करना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे RNFI सर्विस का न्यू अपडेट। बोलो तो न्यू अपडेट नहीं है ये हमारा, सिर्फ बोलो तो पॉप ये होता है ओल्ड वीडियो को फिर से अपडेट कर रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल की तरफ से, जो RNFI रैली पे ये ब्रांड ऑफ RNFI कंपनी है। इसमें हम लोग फर्स्ट टाइम कैसे DMT होता है, जो बहुत भाई लोगों को अभी तक पता नहीं होता है DMT कैसे करना है, तो इस वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, क्योंकि जिन भाई लोगों को पता है उसके लिए नहीं है, जिन भाई लोगों को पता नहीं है उसके लिए वीडियो हो रहा है। RNFI सर्विस DMT कैसे होता है, तो सबसे पहले आपको बताएंगे ही, जो RNFI सर्विस DMT करने के लिए आपका वॉलेट में मिनिमम आपको 300 बैलेंस होना चाहिए। 300 आपका वॉलेट में बैलेंस होना चाहिए। जब आपका हमें छोड़ देगा RNFI सर्विस, उसी टाइम आपको 300 रुपीज़ मिल जाएगा वापस। तो गाइस, RNFI सर्विस में एक न्यू अपडेट लागू कर दिया है जो RBI रूल्स का द्वारा। जो RNFI सर्विस लेना चाहेगा उसका पहले आपको पता करना चाहिए आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है क्या नहीं है, उसी के बाद ही आपका RNFI सर्विस का रिटेल ID क्रिएट होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं इसमें RNFI सर्विस लॉगिन करके रखूँगा, तो इसमें लॉगिन कर देंगे। तो इसमें मेरा देखो बैलेंस आपका सामने शो हो जाएगा 623 रुपया, ठीक है। तो ये मेरा 623 रुपया मेरा बैलेंस है। तो ये मैं क्या करेंगे, DMT करेंगे। तो ये जो हमारा सर्विस है बोलो तो रिटेलर सर बोलते, इसमें हम लोग क्या करेंगे, रिटेलर जो होता है बोलो तो रिटेलर ID से DMT कैसे करना फर्स्ट टाइम। तो सबसे पहले बताएंगे, अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल टेक वाला बाबू को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, और नोटिफिकेशन बेल आएगा उसको भी प्रेस कर लेना। और गाइस, हमारा एक न्यू चैनल हम लोग बनाया है, उस चैनल में आप ज़रूर सपोर्ट देना है, क्योंकि उसमें सिर्फ ब्लॉग का वीडियो बनाएंगे। ये जो भाई लोगों ने RNFI सर्विस लेके रखा है, बहुत कंपनी मेरे पास लेके रखा है, तो उसका शॉप में जाके मैं उसका साथ इंटरव्यू जैसे करेंगे और इंटरव्यू लेंगे, और हमारा जो न्यू चैनल है टेक वाला ब्लॉग उसमें अपलोड करेंगे। तो उसमें भी आप डायरेक्ट मेरे को सपोर्ट करना, बहुत बहुत मेरे को अच्छा लगेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसमें आपको DMT में क्लिक कर देना है। तो DMT में क्लिक करने के बाद आपका इसमें ऊपर मोबाइल नंबर मांगेगा, इसमें प्लीज़ इंटर योर मोबाइल नंबर टू प्रोसेस फ्रेंड। तो इसमें आपको नीचे बताएगा प्लीज़ इंटर योर अकाउंट नंबर टू प्रोसेस। तो इसमें आपको जो भी आप डालना चाहते डाल सकते हैं, इसमें भी आप डालेगा तो होगा, इसमें भी डालेगा तो होगा। तो ये आपका अकाउंट नंबर डालने से पहले आपको ऊपर वाला जो होता है इसमें सबसे पहले डाल देना है। तो ये डालेगा तो क्या होता है, सबसे अच्छा होता है यही, ये आपका ऑटोमेटिक हो जाता है। तो मैं क्या करेंगे, मेरा जो मोबाइल नंबर है इसमें 7047057596 ये मेरा मोबाइल नंबर है। डालने के बाद इसमें तीर का निशान जो होता है इसमें क्लिक कर देंगे। तो बहुत भाई लोगों को पता नहीं होता है कैसे जो न्यू रिटेलर रिमाइंडर होता है DMT क्रिएट करना पड़ता है, कैसे DMT क्रिएट करना पड़ता है, तो आप लोगों को पता नहीं है। तो इस वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। तो इसमें आपको फर्स्ट नेम डाल देना है, जो आपका नाम है इसमें आपको डाल देना है। तो इसमें जो रिटेलर बोलो तो जिसका पास आप बैलेंस ट्रांसफ़र करेगा उसी का नाम आपको इसमें सेट करना है, ठीक है। उसका मोबाइल नंबर डालने के बाद इसमें आपको उसका नाम डाल देना है। तो इसमें लिमिट है, इसमें 25,000 तक ज़्यादा बैलेंस DMT नहीं होता है, ये इसका सिस्टम है। तो इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ जो भी आप डाल दो, डेट ऑफ बर्थ जो होता है इसमें जो भी आप डाल देना, कोई भी इशू नहीं है, ठीक है ना। इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है, तो अभी देखो मेरा डेट ऑफ बर्थ जो है, अभी देखो इसमें बोलो डेट ऑफ बर्थ, इसमें मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है 05199, ठीक है। इसमें 19 डाल दिया है, डालने के बाद इसमें ये जो है नहीं हो रहा है, क्योंकि ये जो DMT बोलो तो सेट किया है इसमें थोड़ा इशू हो रहा था, 2000 से डाल देंगे, ठीक है। तो कोई बात नहीं है, इसमें आपका फुल एड्रेस डालने को बताएगा, जिसका जो आपके पास आएगा कस्टमर उसका फुल एड्रेस डाल देना। तब इसमें वेस्ट बंगाल डाल देंगे, क्योंकि मैं मालदा से हूँ, MALDA मालदा वेस्ट बंगाल, ठीक है। उसका फुल एड्रेस डालने का, इसमें आपका मोबाइल में देखना है कि OTP चला गया है, जो वन टाइम OTP होता है आपके मोबाइल में चला गया है। तो मेरा जिस मोबाइल नंबर में मैं जो टाइप किया हूँ, जिसका रिटेल ID का नंबर पे जो दिया था अकाउंट नंबर ये मोबाइल नंबर, उसी मोबाइल नंबर में एक OTP जाएगा, वो OTP आपको इसमें भर देना है। तो बहुत भाई लोगों को क्या होता है, पता नहीं होता है कैसे DMT फर्स्ट टाइम जो अकाउंट होता है क्रिएट करेंगे, तो पता नहीं होता है। तो उसके लिए फिर रिकॉर्डिंग उसका वीडियो बनाया हूँ, क्योंकि बहुत भाई लोग परेशान हो जाता है कैसे मेरे को DMT करना है। तो जिन भाई लोगों को पता है उसके लिए नहीं है, जिन भाई लोगों को पता नहीं है उसके लिए वीडियो है। तो आपका मोबाइल में OTP नहीं जाएगा, तो इसमें आपको रिसेंट OTP में क्लिक कर देना है, आपके पास चला गया तो इसमें सबमिट कर देना है। तो सबमिट बटन में क्लिक करने के बाद आपको इसमें देखो प्लीज़ सिलेक्ट डेट ऑफ बर्थ, आपका जो डेट ऑफ बर्थ है इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ जो है इसमें गलत है, तो इसमें डेट ऑफ बर्थ है ओके, तो मेरा डेट ऑफ बर्थ जो है इसमें गलत है, तो इसमें 05 की जगह में इसमें एक
सिलेक्स देना है, तो ये जो डेट ऑफ बर्थ है इसमें सिलेक्स देना है, उसीलिए इसमें डेट ऑफ बर्थ थोड़ा मिस्टेक हो गया है हमारा, ओके ना। तो ये जो डेट ऑफ बर्थ है 05/199, तो डालने के बाद इसमें क्या, देखो मेरा एड्रेस है फुल एड्रेस, इसमें डालने के बाद सबमिट बटन में क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। तो ये जो सबमिट नहीं हो रहा है क्योंकि ये प्रॉब्लम हो सकता है, किसी भी प्रॉब्लम के कारण ऐसा हो रहा है। तो मैं इसमें देखो 2000 साल डाल देंगे, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ इसमें थोड़ा मिस्टेक हो सकता है, कोई भी इशू नहीं है। आपका डेट ऑफ बर्थ इसमें सिलेक्ट नहीं होगा तो कोई बात नहीं, आप ये भी डाल सकते। देखो मैं इसमें देखो डेट ऑफ बर्थ जब भी डाल दिया हूँ उसी टाइम मेरा ऑटोमेटिक हो गया है। तो मेरा जो ये है एड्रेस थोड़ा कटिंग हो गया था, MALDA मालदा वेस्ट बंगाल। देखो आपको इसमें सबमिट बटन आपको मिल जाएगा, देख रहे हो कि आपका सबमिट बटन है, ठीक है ना। तो सबमिट कर देंगे, सबमिट करने के बाद देखो इसमें बता रहा है इसमें रिमेट अकाउंट डिटेल्स रिफंड्स। तो देखो इसमें आपको आ जाएगा ऐसा, तो आपका मोबाइल में फिर से पिन आ जाएगा मोबाइल में, ठीक है। तो ये जो आपका पिन आया है ये आपका एम पिन होता है, ठीक है। आपको 4 डिजिट का एम पिन होता है, इस पर एम पिन डालेगा तो आपका मोबाइल में फिर से लॉगिन हो जाएगा। तो इसमें आपको प्लस वाला आइकॉन में क्लिक कर देना है। तो प्लस वाला आइकॉन में क्लिक करने के बाद देन आपको इसमें बताएगा आपको बैंक कौन सा है, तो आपको जो बैंक है वो आपको बैंक सिलेक्ट कर लेना है। तो मेरा जो बैंक है इसमें मेरा कैनरा बैंक है, ठीक है। मैं कैनरा बैंक सिलेक्ट कर लूँगा, सॉरी गाइस मैं इसे सर्च नहीं करेंगे क्योंकि नहीं आ रहा है, मेरा स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, ठीक है। मैं कैनरा बैंक इसमें इसे करके ढूंढ लूँगा, तो सी दिए जो कैनरा बैंक होता है, कैनरा बैंक इधर आ जाएगा शायद, ठीक है ना। तो मैं कैनरा बैंक इसमें डाल देंगे, तो प्लीज़ सो इट। तो इसमें कैनरा बैंक डालने के बाद इसमें देखो बेनिफिशियरी का नाम डाल देना है, जो बेनिफिशियरी का नाम है जो रिटेलर है उसका नाम डाल देना है, उसका टाइटल डाल देना है MANDAL मंडल। बाद में आपका अकाउंट नंबर, जो आपका अकाउंट नंबर होता है रिटेलर का वो कस्टमर का, वो आपका अकाउंट नंबर डाल देना है। डालने के बाद अकाउंट नंबर डालने से कन्फर्म अकाउंट नंबर डालने को बताएगा। मेरा अकाउंट नंबर जो होता है जो रिटेलर होता है ना, अभी मेरे पास कॉल आ गया था गाइस सॉरी, जो रिटेलर होता है उसका अकाउंट नंबर इसमें डाल देंगे। तो मुझे बताएगा आई डोंट नॉट हैव ऐसे, वो तो इसमें बोल रहा है IFSC कोड जो होता है, इसमें IFSC कोड वेरीफाई करने के लिए इसमें आपको 4 रुपये लेता है, ठीक है। देखो मैं वेरीफाई नहीं करेंगे क्योंकि मेरा जो ये होता है ना, मैं वेरीफाई नहीं कर, सिर्फ रजिस्टर में क्लिक कर देंगे। तो इसमें देखो अकाउंट नंबर नॉट नंबर एंड कन्फर्म योर नंबर मिस्टेक बोल, ठीक है। इसमें अकाउंट नंबर जो है इसमें मिस्टेक बोल रहा है। तो ये जो आपका अकाउंट नंबर इसमें देखो 4-3-0 डाल दिया है कि 000 डाल दिया है, तो इसमें आपको ऐसा डालना है। तो मैं सैंपल किया करेंगे, डायरेक्ट रजिस्टर में क्लिक करेंगे, वेरीफाई नहीं करेंगे क्योंकि मेरा 4 रुपया कटिंग हो जाएगा, तो मेरा ऑलरेडी रजिस्टर है। तो इसमें देखो आपका सक्सेसफुल हो जाएगा शायद अकाउंट। इसमें प्लीज़ इंटर OTP रजिस्टर बेनिफिशियरी का मोबाइल में, फिर से एक OTP चला जाएगा। इसमें आपको कोड डालना है, ठीक है। जो रिटेलर का मोबाइल में फिर से कोड जाएगा, तो वो कोड डालने के लिए रिटेलर का मोबाइल में फिर एक बार आपको ओपन करना है। बोलो तो इसमें कस्टमर का जो मोबाइल नंबर होता है इसमें एक OTP जाएगा, वो OTP आपको इसमें डाल देना है। तो मेरा जो OTP आया था अभी मैं डाल दूंगा। डालने के बाद क्या करेंगे, सबमिट रजिस्टर में क्लिक कर देंगे। रजिस्टर में क्लिक करने के बाद देन आपको देखो बेनिफिशियरी जो है सक्सेसफुल हो गया है। तो देखो इसमें आपको बोल रहा है, इसमें वेरीफाई करने को बोल रहा है IMPS, जो भी आपको इसमें वेरीफाई करने के लिए ऑप्शन मिल जाएगा। तो मैं वेरीफाई नहीं करेंगे क्योंकि मेरा ऑलरेडी वेरीफाई है अकाउंट, इसमें 25,000 तक मेरे को लिमिट दिया है। तो अभी क्या करेंगे गाइस, मैं जो वेरीफाई करेंगे तो वो 4 रुपये काट लेगा, तो मैं इसमें फिर से DMT में क्लिक करेंगे। अब इसमें मोबाइल नंबर डालेंगे, तो मेरा जो मोबाइल नंबर है ये भी मोबाइल नंबर डाल देंगे। इसमें डालने के बाद क्या करेंगे, इसमें तीर का निशान में क्लिक कर देंगे। देखो इसमें वेरीफाई बेनिफिशियरी का जो होता है, इसमें मेरा वेरीफाई करके रखा है और वो जो अकाउंट है ऊपर वाला ये अभी मैं क्रिएट किया हूँ, इसमें मेरा वेरीफाई नहीं किया हूँ, ये वाला ऑप्शन नहीं किया हूँ। और देखो नीचे आपको देखने को मिल जाएगा वेरीफाई अकाउंट, ठीक है ना। इसमें आपको दोनों में ऐसा मिलता है वेरीफाई अकाउंट। तो ये जो मेरा अकाउंट है वेरीफाई हो है, तो इसमें IMPS क्लिक कर देंगे। NFT नहीं करना है, NFT करेगा तो आपका सेम डे बैलेंस आने को लग जाएगा चांस, तो वो सेम डे करेगा तो आपको IMPS करेगा तो सेम डे लगेगा, और आपका IMPS करेगा तो इसमें इंस्टेंट आ जाएगा। तो इसमें आपको 300 रुपये करना है। 300 रुपये करने के बाद आपको क्या करना है, इसमें तीर का निशान आपको मिल जाएगा और एक बार, तो इसमें तीर का निशान में क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देन आपका मोबाइल में से इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, वेरीफिकेशन ट्रांजेक्शन डिटेल्स, तो इसमें आपको कन्फर्म में क्लिक कर देना है। कन्फर्म में क्लिक करने के बाद देन आपका पास एक स्लिप आ जाएगा, जो अशोक मंडल का अकाउंट में चला गया 300 रुपया IMPS द्वारा।
तो आपको प्रिंटर भी निकल सकते हैं इसमें, प्रिंट स्लिप जो होता है इसमें आपको नेटवर्क प्रिंटर ब्लूटूथ प्रिंटर। देखो मेरा बैलेंस जो आया है मेरे अकाउंट से बैलेंस ट्रांसफ़र हो गया है, तो आपको देखने को मिल जाएगा इसमें मेरा बैलेंस भी आ गया है। तो ये जो रिटेलर का मोबाइल से बैलेंस जो था पूरा चला गया, ट्रांसफ़र हो गया है। अभी मेरा वॉलेट में चेक करेंगे मेरा बैलेंस है क्या नहीं है। तो अभी देखो मेरे कैनरा बैंक में ऐड हो गया है 300 रुपया। तो देखो मैं आप लोगों को सिर्फ लाइव दिखा दिया हूँ कैसे आपको सेटलमेंट करना पड़ता है, इसमें बैक टू होम कर देना तो इसमें आपको 315 रुपया आ जाएगा। इसमें देखो 623 रुपया था, अभी 315 रुपये हो गया है। तो गाइस इस वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बाय बाय। और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखो, और एक न्यू चैनल है उसको भी सब्सक्राइब कर लेना प्लीज़ गाइस बाय।